हेलो फ्रेंड्स, आई एम सपना वर्मा और ये जो हम GKGS की सीरीज़ बना रहे हैं उसका 8th पार्ट है। मैं आपको पिछले एग्ज़ाम में आए सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। 402, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो। 403, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। 404, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। 405, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। 406, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सैन। 407, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट। 408, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। 409, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। 410, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। 411, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात। 412, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है? बैंगनी। 413, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। 414, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 415, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। 416, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। 417, टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा। 418, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख। 419, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वैलेंटाइना तेरेश्कोवा। 420, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सेलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। 421, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी। 422, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। 423, हाइड्रोजन बम किस स्थान सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। 424, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। 425, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। 426, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। 427, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98 फॉरेनहाइट। 428, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। 429, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकन की। 430, पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। 431, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 432, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 433, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। 434, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नरोजी। 435, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिमी बंगाल। 436,
भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान। 437, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। 438, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 439, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। 441, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। 442, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। 443, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। 444, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। 445, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901। 446, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। 447, रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि। 448, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। 449, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े। 450, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। 451, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 452, जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। 453, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून। 454, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बचेंद्री पाल। 455, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस। 456, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। 457, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। 458, संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। 459, पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। 460, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। 461, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन। 462, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में। 463, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। 464, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 465, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872। 466, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस। 467, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। 468, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। 469, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल। 470, कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली। 471, पौधों में जीवन होता है ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु। 472, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद। 473, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46। 474, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा। 475, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। 476, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है?
80 से 120 मिलीमीटर। 477, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। 478, रामचरितमानस किसने लिखे? तुलसीदास। 479, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में। 480, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर। 481, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां सोनीपत। 482, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 की विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। 484, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। 485, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। 486, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। 487, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920। 488, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त किया होता है? हॉकी। 489, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। 490, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने। 491, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 10। 492, मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास। 493, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। 494, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा। 495, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बार्डिन पावेल। 496, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। 497, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल। 498, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। 499, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य। 500, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।